नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनडीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल, जो आपके लिए लेकर आती है हर बार कुछ चटपटी और स्पेशल स्टोरीज। तो दोस्तों आज आपके लिए क्या है स्पेशल, आइए देखते हैं। अमेरिकन टीवी पर्सनालिटी, राइटर, एक्टर और मॉडल पद के लिए लक्ष्मी ने हाल ही में अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न के बारे में बड़ा खुलासा किया। टॉप चीफ की होस्ट पद्मा ने बताया कि 16 साल की उम्र में उनके एक 23 साल के बॉयफ्रेंड ने उनके साथ रेप किया। उस वक्त वो सेक्स के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन बावजूद इसके बॉयफ्रेंड ने उनके साथ धोखे से रेप किया। इतना ही नहीं, महज 7 साल की उम्र में भी पद्मा लक्ष्मी को यौन शोषण का सामना करना पड़ा। अपने दादा दादी के साथ इंडिया रहने गई पद्मा को उनके एक रिश्तेदार ने गलत हाथ से छुआ। पद्मा लक्ष्मी ने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताया कि वो काफी हैंडसम था। मैं लॉस एंजलिस के एक मॉल की रिटेल कंपनी में पार्ट टाइम काम करती थी, वहीं वो मुझसे फ्लर्ट किया करता था, लेकिन कुछ ही दिनों में ये फ्लर्ट रिलेशनशिप में बदल गया। ये बात लगभग 30 साल पहले की है, जब हम दोनों न्यू ईयर की एक शाम को नाइट आउट पर थे और मैंने अपने बॉयफ्रेंड के अपार्टमेंट में ही सो गई थी। लेकिन अगली सुबह जब मैं उठी तो मुझे मेरी टांगों के बीच काफी तेज दर्द हुआ। वो उस वक्त मेरे साथ ही था। मैंने उससे पूछा भी कि तुमने क्या किया है। इस पर उसका जवाब था, ये दर्द सिर्फ कुछ देर के लिए है। अपने स्टेटमेंट के बाद पद्मा लक्ष्मी ने इस बात को माना कि डेट रेप का मतलब मुझे उस वक्त नहीं मालूम था और मैं पूरी तरह से अनजान थी कि ये सेक्स था या फिर रेप। पद्मा ने आगे कहा, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के लिए नामित ब्रेट कामनाहा पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों के सामने आने के बाद मैंने इस राज पर से पर्दा उठाने का फैसला कर लिया है। मैं 32 साल तक चुप इसलिए रही क्योंकि मुझे अपने ही ऊपर उंगलियां उठने का डर था। बलात्कार के 32 साल बाद अब मैं सार्वजनिक तौर पर बात कर रही हूं कि मेरे साथ क्या हुआ था। मुझे इस बारे में बात करके कोई लाभ नहीं मिलने वाला, लेकिन हम सबको बहुत कुछ खोना पड़ेगा। और अगर हम यौन उत्पीड़न के बारे में सच बताने पर एक समय सीमा लगा देंगे और उस पर चुप्पी साधे रखेंगे, जिसने पीढ़ियों तक पुरुषों और महिलाओं को दर्द पहुंचाने की इजाजत दी, जिसके लिए उन्हें कोई सजा भी नहीं मिलती। दोस्तों अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो हमारी स्टोरी को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब।